Hello friends, I am Professor Baby Gaikwad. I make videos of biology on this platform for 11th and 12th standard student. I request you all please subscribe my YouTube channel to get more updates from me. हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट्स में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, इस पार्ट को हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। जैसे हम डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम मोनोकॉट में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट किस तरह से होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ में हम एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट कैसी होती है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी यहां पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डाइकॉट प्लांट्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन तो ये बनता है कि जैसे डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसमें फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यानी सिंगैमी में एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज होके एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जाइगोट हुआ और सेकेंड फर्टिलाइजेशन जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं या सुडो फर्टिलाइजेशन, जिसमें सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है और बनाता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो डबल फर्टिलाइजेशन के दो प्रोडक्ट्स हमारे पास है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का जाइगोट और सेकेंड फर्टिलाइजेशन का पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट में जो चेंजेस आएंगे या पीईएन में जो चेंजेस आएंगे, ये सभी चेंजेस स्टडी किए जाएंगे अंडर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में फर्स्ट चेंज होता है जाइगोट में और जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। बट अभी सवाल ये उठता है, एम्ब्रियो पहले बनता है या एंडोस्पर्म पहले बनती है? तो जाहिर सी बात है कि एंडोस्पर्म फर्स्ट बनेगी पीईएन से, क्योंकि एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेवलप करने में मदद करता है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंडोस्पर्म डेवलप होगा और एंडोस्पर्म डेवलप होने के बाद में यहां पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट क्या डेवलप होता है, तो आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट एंडोस्पर्म बनती है और एंडोस्पर्म के बाद में जाइगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियो में। तो डाइकॉट प्लांट की जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है ये मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स में कॉमन है, सेम है। तो हम यहां पे एग्जाम्पल हम डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हम विथ रिस्पेक्ट टू कैप्सेला जो प्लांट है, कैप्सेला विच बिलोंग्स टू क्रूसीफेरी प्लांट फैमिली। क्रूसीफेरी प्लांट फैमिली में जो कैप्सेला प्लांट आता है उसके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, जो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो बेसिकली एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में क्या होता है, तो जाइगोट जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है डिप्लॉइड, और जाइगोट एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना देता है और इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की भी प्लॉइड लेवल यहां पे सेम होगी। तो सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा है या जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, दिस इज नथिंग बट द एम्ब्रियोजेनेसिस।
एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अभी ये एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है डाइकॉट प्लांट्स में, उसके कुछ हमें सिक्वेंशियल स्टेजेस डेवलपमेंट के अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, स्टडी करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट मान लो ये जायगोट है, डिप्लॉयड जायगोट, जायगोट और अनफेवरेबल कंडीशन है उसके लिए। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा ये, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जायगोट डेवलप नहीं होगा एम्ब्रियो में। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये जायगोट एक रेजिस्टेंट लेयर बना लेगा खुद के ऊपर, ठीक है। तो ये जायगोट ने अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर लिया, एक रेजिस्टेंट लेयर बना दिया ताकि उसका प्रोटेक्शन हो सके। और ऐसा जायगोट अभी जिसके ऊपर रेजिस्टेंट लेयर बना चुका है ये, या उसे हम बोलते हैं ओस्पोर, ओस्पोर। मान लो कंडीशंस फेवरेबल हो गई जायगोट के लिए, तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में ये जो जायगोट रहेगा, दैट जायगोट डिवाइड्स थ्री माइटोसिस। और ये माइटोसिस तीन टाइम ये जायगोट डिवाइड होगा, तीन टाइम। अभी फर्स्ट डिवीजन में क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन में यहां पे दो सेल्स बनेगी और वो दो सेल्स कुछ इस प्रकार की होगी। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो यहां पे जायगोट में फेवरेबल कंडीशन में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, और ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन किस तरह का है, ट्रांसवर्स। तो जायगोट ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है बाय माइटोसिस इनटू टू अनइक्वल सेल्स, एक स्मॉल सेल है और एक छोटी सेल, एक लार्ज सेल है। स्मॉलर सेल जो होगी वो होगी चलाजल एंड की तरफ, और लार्जर सेल जो होगी वो होगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ या माइक्रोपाइल की तरफ। अभी चलाजल एंड की तरफ जो छोटी सेल है, उस छोटी सेल को हम बोलते हैं, स्मॉलर सेल जो होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल। और इसे हम एम्ब्रियोनल सेल के नाम से भी जानते हैं। तो स्मॉलर सेल टर्मिनल और एम्ब्रियोनल सेल, और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ लार्ज सेल है उसको हम बोलते हैं बेसल सेल, बेसल सेल, और कॉल्ड एज सस्पेंसर इनिशियल, सस्पेंसर इनिशियल। ये हुआ फर्स्ट माइटोटिक ट्रांसवर्स डिवीजन इन जायगोट, जिसकी वजह से दो अनइक्वल सेल्स बन रही है, स्मॉलर इज टर्मिनल और एम्ब्रियोनल एंड लार्जर वन इज बेसल और सस्पेंसर इनिशियल। दोनों सेल की पोजीशन या पोल आपको ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या होगी, जैसे दो सेल बन जाएंगे तो यहां पे साइमल्टेनियसली ये एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड होगी और ये सस्पेंसर इनिशियल सेल भी डिवाइड होगी। तो फर्स्ट हम सस्पेंसर इनिशियल सेल की डेवलपमेंट को स्टडी कर लेते हैं। सस्पेंसर इनिशियल सेल यहां पे सिक्स, मतलब सस्पेंसर इनिशियल सेल यहां पे कंटिन्यूअसली डिवाइड होगी, और इस सस्पेंसर के कंटिन्यूअस डिवीजन से यहां पे एक सेल की रो बनेगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल रो, ठीक है।
तो ये यहाँ पे देखो एक सस्पेंसर था हमारे पास और वो सस्पेंसर तीन चार बार ट्रांसवर्सली डिवाइड हुआ, तो उस ट्रांसवर डिवीजन से यहाँ पे मिनिमम 6 to 10 सस्पेंसर सेल्स की एक रो बन जाती है, ठीक है, सस्पेंसर सेल्स की एक रो बन जाती है जिसमें नंबर होता है 6 to 10। अभी यहां पे सस्पेंसर की जो माइक्रोपाइल की तरफ जो फर्स्ट सेल है दैट बिकम्स इनलार्ज, ये सेल स्वेल हो जाएगी या इनलार्ज हो जाएगी, तो ऐसी सस्पेंसर की फर्स्ट सेल जो माइक्रोपाइल एम की तरफ है उसको हम बोलते हैं होस्टोरियल सेल, होस्टोरियल सेल। देन सस्पेंसर रो की जो सेल है जो एम्ब्रियोनल सेल के साथ कांटेक्ट में होगी उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। ओके, तो ये बात समझ में आए आपको, मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, सस्पेंसर सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड्स इनटू 6 to 10 सस्पेंसर सेल्स, ठीक है, जिससे क्या बना, रो बना सेल का, सस्पेंसर सेल का। सस्पेंसर सेल की फर्स्ट सेल जो माइक्रोपाइल एन की तरफ है वो इनलार्ज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं होस्टोरियल सेल्स, और जो सेल एम्ब्रियोनल सेल के साथ कांटेक्ट में जिसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। तो ये सस्पेंसर क्यों सारी, इतने सारी सस्पेंसर सेल्स बने यहां पे, सस्पेंसर सेल का रोल क्या होता है डाइकॉट एम्ब्रियो में, तो जैसे एम्ब्रियोनल सेल से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो डेवलप होगा या जैसे एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड होना स्टार्ट करेगी तो ग्रोविंग एम्ब्रियो के लिए जो न्यूट्रिशन होगा वो न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से ऑब्टेन करना है, और वो एंडोस्पर्म तक एम्ब्रियो को पुश करने के लिए ये सस्पेंसर काम आता है। तो सस्पेंसर का यहाँ पे रोल क्या है, सस्पेंसर पुश द डेवलपिंग एम्ब्रियो डीपली इनटू द एंडोस्पर्म टू ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन, इसका न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो जाती है ताकि एम्ब्रियो डीपली एंडोस्पर्म के अंदर जा सके और वहां पे वहां से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सके, ठीक है, ये बात आपको समझ में। अभी देखो यहाँ पे जो एम्ब्रियोनल सेल है या ये जो टर्मिनल सेल है चलाजल एम की तरफ, ये टर्मिनल सेल यहाँ पे इसमें सेकेंड माइटोसिस हो जाएगा, तो सेकेंड माइटोसिस से दो सेल्स बनेगी, फिर थर्ड माइटोसिस होगा दो सेल्स में तो वहां पे चार सेल्स बनेगी। हम दो सेकेंड और थर्ड माइटोटिक डिवीजन को डायरेक्टली यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कुछ इस तरह का होगा, चार सेल्स, ठीक है। तो ये तो दो सेल वाला जो स्टेज है जिसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, और यहां पे एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड हुई थ्रू सेकेंड एंड थर्ड माइटोसिस, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है इस एम्ब्रियो में अभी वो है चार, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियोनल, प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रंट, प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रंट, ठीक है स्टूडेंट, प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रंट यहां पे बना। अभी नेक्स्ट जो डेवलपिंग स्टेज जो आएगी वो नेक्स्ट डेवलपिंग स्टेज किसमें होगी या नेक्स्ट डेवलपमेंट कौन से पार्ट में होगी, सस्पेंसर डिवाइड होगी क्या एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड होगी वो हमें जानना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डेवलपमेंट में होता क्या है, नेक्स्ट डेवलपमेंट में, ठीक है मैं इसी डायग्राम पे बनाता हूं, ये क्वाड्रंट स्टेज हमें ध्यान में रखनी है, चार यहाँ पे हमने क्या बनाया प्रो एम्ब्रियोनल, प्रो एम्ब्रियोनल क्या बनाया क्वाड्रंट बनाया, ठीक है प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रंट बनाया। अभी ये क्वाड्रंट के बाद में यहाँ पे फिर ये सेल्स डिवाइड होगी, चारों भी सेल्स डिवाइड होगी, और चारों सेल्स जब डिवाइड होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पे जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कुछ इस तरह से होगा,
तो यहाँ पे बनेगा ऑक्टर्न, यहाँ पे क्या बनेगा ऑक्टर्न। तो ये स्टेज जो है वो है प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टर्न। ठीक है, अभी और ये तो विथ रिस्पेक्ट टू एम्ब्रियोनल सेल कि हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, अभी क्वाड्रेंट से बना ऑक्टर्न। ठीक है, और यहाँ पे एम्ब्रियो में जितने भी सारी सेल्स डिवीजन हो रही है दे आर माइटोटिक सेल डिविजन एंड इच सेल डिविजन इज राइट एंगल टू इच अदर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट जो चेंजेस हमें नोटिस करने को मिलेगा वो बेसिकली किसमें नोटिस करने को मिलेगा, हाइपोफाइसिस में। हाइपोफाइसिस यहाँ पे अभी क्या होगा, देखो ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ये हाइपोफाइसिस जो सेल एम्ब्रियो के साथ सस्पेंशन की जो सेल्स एम्ब्रियो के साथ कनेक्टेड है, अटैच है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। यह हाइपोफाइसिस ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाएगा इनटू एट सेल्स। ध्यान से सुनना मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो हाइपोफाइसिस की सेल्स है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाएगा इनटू द एट सेल्स। ठीक है, और बाकी का जो पार्ट रहेगा वो एज इट इज रहेगा, बाकी की सस्पेंसर्स को एज इट इज रहेगी। खाली सस्पेंसर की हाइपोफाइसिस यहाँ पे 8 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ये ऑस्टोरिया एज इट इज, ये है ऑस्टोरिया और ऑस्टोरियल सेल, ये हमने ली है सस्पेंसर। और सस्पेंसर की जो हाइपोफाइसिस थी वो हाइपोफाइसिस क्या हो गए, डिवाइड हो गई, डिवाइड्स इनटू हाउ मेनी सेल्स, 8 सेल्स। ठीक है, अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो 8 में से ऊपर वाली 4 सेल्स जो है जो एम्ब्रियो के कांटेक्ट में है, ठीक है, ये जो 4 सेल्स जो है, ये 4 सेल्स यहाँ पे बनाएगी रूट कॉर्टेक्स, यहाँ पे बनाएगी रूट कॉर्टेक्स। और ये जो 4 सेल्स है हाइपोफाइसिस के, ये यहां पे बनाएगा रूट टिप यहां पे बनाएगा, मतलब रूट कॉर्टेक्स, रूट टिप या रूट एपेक्स भी आप उसको बोल सकते हैं। तो ये बनाता है हाइपोफाइसिस। तो डायरेक्टली आप यहां पे बोल सकते हो कि हाइपोफाइसिस गिव राइज टू रेडिकल। तो रेडिकल्स जब सीड जर्मिनेट होगा, तो एम्ब्रियो जब जर्मिनेट होगा तो रेडिकल में से क्या इमर्ज होगा, रूट इमर्ज होगा। और फिर रूट रीजन में जो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टिकल रीजन जो होता है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, रूट टिप और रूट टिप और उसके बाद में रूट कैप। ठीक है, तो ये सब पार्ट इन 8 सेल से डेवलप होगा हाइपोफाइसिस की। बट इसमें से आपको फर्स्ट 4 सेल से कॉर्टेक्स वाला पार्ट बनेगा और नीचे वाली 4 सेल से रूट टिप और रूट कैप बनेगी। तो ये डायरेक्टली हाइपोफाइसिस गिव्स राइज टू द रेडिकल। ठीक है, अभी ये जो ऑक्टंट एम्ब्रियो यहां पे आप देख रहे हो चलासन एन की तरफ, तो ये ऑक्टंट एम्ब्रियो का जो हाफ जो पार्ट है, हाफ दिस हाफ ऑफ ऑक्टंट एम्ब्रियो और प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टंट, इसको हम बोलते हैं ये लोअर टायर हो गया और ये अपर टायर हो गया। ठीक है, तो ऑक्टंट को हमने 2 टायर्स में डिवाइड किया, अपर टायर एंड लोअर टायर। लोअर टायर इज कॉल्ड एज अ हाइपोबेसल और ये जो अपर टायर है जिसको हम बोलेंगे इपी बेसल। हाइपोबेसल और इपी बेसल। तो ये प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टंट में कुछ चेंजेस होते हैं। उसके बाद में यहां पे ऑक्टंट एम्ब्रियो की जो इपी बेसल या हाइपोबेसल, अभी देखो यहां पे ये जो हाइपोबेसल पार्ट है प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टंट का, या जो लोअर टायर है उसको ही हम हाइपोकोटाइल बोल सकते हो, हाइपोकोटाइल, और ये एपी
कॉटाइल, ठीक है, हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल गिव्स राइज टू, एपिकोटाइल गिव्स राइज टू प्लूम्यूल, एपिकोटाइल से क्या बनेगा, प्लूम्यूल बनेगा और प्लस यहां पे बनेंगे कॉटिलेडॉन्स, कॉटिलेडॉन्स, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आपको, ये सारे चेंजेस आपको यहाँ पे इस स्टेज में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा स्टूडेंट, प्रो ऑक्टंट एम्ब्रियो जो है उसकी सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी, तो यहाँ पे मास ऑफ सेल्स यहाँ पे बन जाएगा, मास ऑफ सेल्स, और ये मास ऑफ सेल्स या इसको हम 16 सेल की स्टेज में भी देख सकते हो, कुछ इस तरह की सेल्स यहाँ पे डिवाइड होगी, इस तरह की सेल्स यहाँ पे डिवाइड होगी, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा इसमें, तो ट्रांसवर्स डिवीजन में से ये नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो की सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई होगी, तो ये एक शेप यहाँ पे एज्यूम करेगा, लेट्स सी सपोज ये है वो एम्ब्रियो और जिसकी सेल्स बहुत सारी सेल्स इसमें है, तो ये कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है, तो ये सेल एम्ब्रियो है, ठीक है। और ये तो फिर आपको पता ही है कि ये हाइपोफाइसिस की फर्स्ट 8 सेल्स है, ठीक है, ये 8 सेल्स है हाइपोफाइसिस की, और फिर ये ये सस्पेंसर्स है और फिर ये ऑस्टोरिया है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। यहां से क्या बनता है ये भी यहाँ पे मैंने बता दिया। अभी यहाँ पे ये जो स्टेज जो है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, क्योंकि मास ऑफ सेल यहाँ पे डबल हो गया, इंक्रीज हो गया सेल डिवीजन की वजह से, और यहाँ पे जो मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया दो टायर्स में, तो दो टायर्स आपको पता होना चाहिए, ये लोअर पोर्शन हाइपोकोटाइल हुआ, हाइपोकोटाइल, और ये अपर पोर्शन एपिकोटाइल हुआ, एपिकोटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट चार सेल्स मैंने बताया था आपको, ये क्या बनाएगा, रूट कॉर्टेक्स बनाएगा, और ये चार सेल्स क्या बनेगा, रूट टीथ और रूट कैप बनाएगा, ठीक है। ये है सस्पेंसर्स, सस्पेंसर्स, और सस्पेंसर की ये फर्स्ट सेल जो है ऑस्टोरियल सेल, ठीक है। तो और ये जो पूरा पार्ट जो लिखा है मैंने, ये एक्चुअली ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपोफाइसिस को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइपोफाइसिस से आप बोल सकते हो क्या बनता है, रेडिकल बन सकता है, ठीक है। और एम्ब्रियोनल ग्लोबुलर एम्ब्रियो में लोअर पोर्शन हाइपोकोटाइल और अपर पोर्शन एपिकोटाइल, तो एपिकोटाइल अभी जैसे मैंने आपको बताया प्लूम्यूल, प्लस क्या बनाएगा, कॉटिलेडॉन। बट यहाँ पे आपको ध्यान में और एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है, तो ये जो अपर लेयर होगी ग्लोबुलर एम्ब्रियो को, जिसको हम बोलते हैं डर्मेटोजेन, डर्मेटोजेन, और डर्मेटोजेन से क्या बनेगा, इपिडर्मिस, डर्मेटोजेन से बनेगा इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के अंदर होगा फिर, इपिडर्मिस के अंदर होगा फिर ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम, और इनर मोस्ट होगा प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम, ठीक है। तो ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो, अभी ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है वो ग्लोबुलर ग्लोबुलर एम्ब्रियो में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और वो चेंजेस हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो दैट बिकम्स और दैट एज्यूम्स अ हर्ट शेप, इसने क्या कर दिया, हर्ट शेप एज्यूम कर दिया, ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ये सेम है ये, और ये सस्पेंसर, ये सस्पेंसर
ये भी सस्पेंशन, ये सस्पेंशन की फर्स्ट सेल ऑस्टोरिया, और यहाँ पे अब बन जाएगा ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और यहाँ पे ये प्लम्यूल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये अभी यहाँ पे अंदर नंबर ऑफ सेल्स है, जो सेल्स मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है, सेल्स मल्टीप्लाई हुई है, मास ऑफ सेल इंक्रीज हुआ है, तो इसकी वजह से इसने हॉट शेप क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है, हॉट शेप। तो इस स्टेज को हम बोल सकते हैं हॉट शेप एम्ब्रियो, इस स्टेज को हम बोल सकते हैं हॉट शेप एम्ब्रियो। तो इसमें हम लेबलिंग करेंगे, ये क्या है, प्लम्यूल है, ठीक है, ये प्लम्यूल है। उसके बाद में ये अपर पोर्शन जो आएगा ये एपिकोटाइल, एपिकोटाइल रहेगा। उसके बाद में ये लोअर पोर्शन जो रहेगा वो हाइपोकोटाइल रहेगा, हाइपोकोटाइल रहेगा। उसके बाद में ये तो यस, ये हाइपोफाइसिस ही है, हाइपोफाइसिस, और ये हाइपोफाइसिस क्या बनाएगा, रेडिकल, जैसे पहले ही एक्सप्लेन किया है, जिसमें क्या होगा, रूट कॉर्टेक्स, रूट टिप एंड रूट कैप, ठीक है। और फिर ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो हमें हॉट शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ हॉट शेप एम्ब्रियो, हॉट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। अभी हॉट शेप एज्यूम करने के बाद में और कुछ सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है, और फाइनली हमें जो एम्ब्रियो मिलेगा वो किस तरह का होगा, तो होगा जिसमें कुछ कर्वेचर होंगे, वो कुछ इस प्रकार का रहेगा, सॉरी ये यहां पर मैं रख कर देता हूं, अब ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये कुछ इस प्रकार का रहेगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहां पे ये हाइपोफाइसिस, और ये फिर ये सस्पेंसर्स, और ये ऑस्टोरिया, ठीक है। अभी यहां पे क्या हो रहा है, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये एम्ब्रियो में क्या आ गया, कर्वेचर आ गया, मास ऑफ सेल मल्टीपल डिवीजन की वजह से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये सब हमें यहाँ पे ये सेल्स को बना रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्ब्रियो को, इस प्रकार का ये एम्ब्रियो है जिसमें कर्वेचर आया है। अभी ये जो पार्ट है इसमें देखो, ये तो यस, फिर हम इसको लेबलिंग करेंगे हाइपोफाइसिस, यस दीज आर सस्पेंसर्स, ये है ऑस्टोरियल सेल्स, ऑस्टोरियल सेल, और अभी यहां पे ये है कॉटिलेडॉन्स, दिस फर्स्ट एंड दिस वन, दीज आर द कॉटिलेडॉन्स, कॉटिलेडॉन्स, और यहां पे होगा ये जो पार्ट है ये होगा प्लम्यूल, प्लम्यूल यहां पे, तो ये तो बता ही दिया है मैंने, यहां से क्या बनेगा, ये रेडिकल, रेडिकल, ठीक है। ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट होगा एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, ठीक है, और ये पार्ट जो रहेगा वो रहेगा हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो अभी डाइकॉट प्लांट्स में मैच्योर एम्ब्रियो कैसे होता है, तो ये मैच्योर एम्ब्रियो को लेट सपोज दिस इज अ, ये क्या है, ये हमने बनाया एक एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाया, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं कॉटिलेडोनरी नोड, इससे क्या बनेंगे, ये
कॉटिलेडॉन इस नोड के साथ क्या रहेंगे अटैच. सो दिस आर सपोज कॉटिलेडॉन्स, ये कॉटिलेडॉन्स फर्स्ट और सेकेंड. ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जो पॉइंट है जिसके साथ ये कॉटिलेडॉन्स अटैच है दे आर कॉल्ड एज कॉटिलेडोनरी नोड्स, कॉटिलेडोनरी नोड्स. अभी ये एम्ब्रियोनल एक्सिस पे यहाँ पे ये जो पार्ट रहेगा ये पार्ट होगा प्लूम्यूल, प्लूम्यूल. ये यहाँ पे जो पोर्शन रहेगा ये रहेगा रेडिकल, रेडिकल. और अभी एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलेडोनरी नोड और प्लूम्यूल के बीच में जो पोर्शन आएगा उसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल, ठीक है, एपिकोटाइल. और ये जो रहेगा, ये जो पार्ट रहेगा रेडिकल और कॉटिलेडोनरी नोड के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपोकोटाइल, ठीक है. तो एक मैच्योर एम्ब्रियो में इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं, प्लूम्यूल, रेडिकल, कॉटिलेडॉन्स. कॉटिलेडॉन्स क्या करते हैं, कॉटिलेडॉन्स स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल में स्टोर किया जाता है कॉटिलेडॉन्स में. और जब सीड जर्मिनेट होगा तो सीड जर्मिनेट होगा तो सीड जर्मिनेशन के बेसिक दो टाइप्स है, एक एपिजियल, एपिजियल और दूसरा है हाइपोजियल, अबाउ द सॉइल सरफेस एंड बिलो द सॉइल सरफेस. जब एपिकॉटल, एपिकॉटल इलॉन्गेट होगा तो इसको पुश करेगा अबाउ द सॉइल प्लमून और प्लमून बनाएगा, प्लमून बनाएगा शूट सिस्टम. तो एपिजियल में एपिकॉटिल जो पोर्शन होगा वो एपिकॉटिल क्या हो जाता है, इलॉन्गेट हो जाता है, उसकी वजह से सीड दैट कम्स अबाउ द सॉइल, ठीक है. देन हाइपोजियल में, हाइपोजियल में क्या होगा, तो ये हाइपोजियल में हाइपोकॉटिल इलॉन्गेट होगा क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ऊपर आएगा, सॉइल के ऊपर आएगा, ठीक है, कॉटिलेडॉन्स भी सॉइल के ऊपर आ जाएगी आफ्टर जर्मिनेशन. हाइपोजियल इसमें हाइपोकॉटिल इलॉन्गेट होता है, हाइपोकॉटिल इलॉन्गेट. तो इसके बेसिस पे सीड जर्मिनेशन की तीन टाइप्स होते हैं, एपिजियल और हाइपोजियल. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग.